बुरहानपुर जिले में इन दिनों एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि लगातार दो दिनों से प्रशासनिक अमला अवैध कॉलोनियों में जाकर बुलडोजर से अवैध निर्माण को धराशाही कर रहे हैं और आज एक बार फिर जिला प्रशासन ने ग्राम मोहम्मदपुरा में कृषि भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार गंगाधाम कॉलोनी वासियों द्वारा लगातार मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम पल्लवी पौराणिक कॉलोनी में पहुंची और जांच शुरू की। वहीं जांच के दौरान मौका मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि ये कॉलोनी एसटीएम डायवर्जन वाली है, जिसके चलते रहवासियों को कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसके तहत ही एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने कॉलोनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। ग्राम मोहम्मदपुरा में एक कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसका न डायवर्शन है, न TNCP है और ना ही कोई अन्य परमिशंस ली गई है, और यहाँ पर शासकीय नाले पर भी अतिक्रमण किया गया है, तो उसको हटाने की कार्रवाई आज की जा रही है। सर, 248 पर प्रकरण दर्ज किया गया है तहसीलदार के द्वारा, उसके आधार पर जितना ज़्यादा मैक्सिमम मार्केट रेट का 20% का प्रावधान है तहसीलदार को जुर्माने का, तो जितना मैक्सिमम तहसीलदार लगा सकते हैं उतना जुर्माने की प्रावधान कार्रवाई की जाएगी। किसके द्वारा?